not. Gentlemen. सिग्मा मेल एक ऐसा वर्ड बन चुका है जो सुनकर हम सबके दिमाग में एक अलग ही किस्म का एटीट्यूड आ जाता है। एक ऐसा मेल जो लोगों को अपनी पावर से दबा कर रखता है, किसी भी रूल्स और रेगुलेशन को फॉलो नहीं करता और कहीं भी कुछ भी बोलने का दम रखता है। और एक ऐसी पर्सनैलिटी को देखकर लोग इससे बड़ा इंस्पायर होते हैं और होंगे भी क्यों नहीं, क्योंकि इसको इंटरनेट पर इतना प्रमोट जो किया जाता है। और फिर आते हैं कुछ ऐसे लोग जो कुछ ऐसा चेहरा बनाकर अपने आप को सिग्मा मेल कहने लगते हैं और फिर लोग इन सब चीजों को इंटरनेट पर देखकर इसको फॉलो करने लगते हैं और सोचते हैं कि मैं भी एक सिग्मा मेल बन चुका हूँ। और ऐसा इसीलिए क्योंकि उनको सिग्मा मेल का असली मतलब ही नहीं पता। तो इस वीडियो में आप जानोगे कि असली सिग्मा मेल होता क्या है और साथ ही ये बीटा मेल और अल्फा मेल क्या होता है। साथ ही मैं आपको इन सब के रियल लाइफ एग्जांपल्स भी देने वाला हूँ, तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना क्योंकि वीडियो काफी इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। तो अब ध्यान से सुनो, मेल्स यानी बॉयज जनरली तीन तरह के होते हैं। तो सबसे पहले आता है बीटा मेल, फिर आता है अल्फा मेल एंड लास्ट सिग्मा मेल, जो इन तीनों में से सबसे ज्यादा पॉपुलर है। तो बीटा मेल का मतलब होता है एक नॉर्मल लड़का या एक नॉर्मल मर्द, एक ऐसा मर्द जिसके अंदर एक फॉलोवर बनने का एटीट्यूड होता है, यानी दुनिया जो बोलती है वो वैसा ही करता है और अपनी जिंदगी को नॉर्मली जीता है। अब नेक्स्ट आता है अल्फा मेल, एक ऐसा मर्द जिसके अंदर लीडरशिप क्वालिटीज होती हैं, एक ऐसा लड़का जो अकेला ही किसी भी ग्रुप को लीड कर सकता है। और अल्फा मेल्स काफी कॉन्फिडेंट और पावरफुल होते हैं और ऐसे मेल को लोग अपने लीडर के रूप में स्वीकार करते हैं। और नॉर्मली बीटा मेल्स इन अल्फा मेल्स को ही फॉलो करते हैं, जो अल्फा मेल कहता है बीटा मेल वही करता है। जैसे जिन पॉलिटिकल नेताओं में बोलने की कला होती है या लोगों को इन्फ्लुएंस करने की कला होती है, उन्हें अल्फा मेल कहते हैं। बट यहाँ पर एक बहुत बड़ी चीज है जो किसी ने नोटिस नहीं किया था, लेकिन कुछ ऐसे फिलोसोफर्स थे जिन्होंने इसको नोटिस कर लिया, और वो ये कि दुनिया में सिर्फ ये दो टाइप के मेल नहीं होते, इनमें से एक थर्ड ऐसा मेल भी है जो इनसे काफी अलग है। ऐसे लोग जिनके अंदर अल्फा क्वालिटीज तो है, वही कॉन्फिडेंट, वही पावर, वो सारी चीजें जो एक अल्फा मेल के अंदर होती है पर वो दिखाते नहीं है। ऐसे लोग अंदर से अल्फा होते हैं, उनके अंदर वो सारी लीडरशिप क्वालिटीज है पर वो बाहर से दिखाते नहीं, और जब उनके ऊपर कोई प्रॉब्लम आती है तो फिर वो दिखा देते हैं कि वो है कौन, और इनको ही सिग्मा मेल कहते हैं। लेकिन वहीं इंटरनेट पर इसको बहुत गलत तरीके से दिखाया जाता है। एक रियल सिग्मा मेल कभी दूसरों को डिस्कम्फर्ट नहीं पहुंचाता, इंक्लूडिंग गर्ल्स। सोशल मीडिया पे ऐसा दिखाया जाता है कि लड़कियों की बेइज्जती करो, उनको बिल्कुल भी वैल्यू ना करो, लोगों में अपना दबदबा बनाकर रखो और आप एक सिग्मा मेल हो, जबकि अपने से कमजोर लेवल के लोगों को दबाकर रखना ये एक बीटा क्वालिटी है। सोशल मीडिया पे आपको ऐसी हजारों वीडियोस मिल जाएंगी जिसमें कोई बंदा किसी बच्चे को या किसी लड़की को फिजिकली तंग करता है या फिर उसकी इंसल्ट करता है, और फिर बहुत से एडिटर्स ऐसे क्लिप्स को उठाकर उसके पीछे खतरनाक सा बैकग्राउंड म्यूजिक लगाकर उसको और भी वायरल कर देते हैं और फिर लोग उनको सिग्मा मेल का टाइटल दे देते हैं। जबकि एक रियल सिग्मा मेल जेंडर न्यूट्रल होता है, वो दोनों जेंडर की बराबर रिस्पेक्ट करता है, चाहे वो मेल हो या फीमेल। सिग्मा मेल काफी काम नेचर के होते हैं, वो ज्यादा अग्रेसिवनेस को शो नहीं करते, चाहे वो लाइफ के सबसे एक्साइटिंग मोमेंट पर हो या सबसे बुरे वक्त पर, उनका दिमाग हमेशा स्थिर रहता है। और जो लोग अपने आप को सिग्मा मेल बोलते हैं, भले ही वो अंदर से कैसे भी हो, तो उससे कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला। इंस्टाग्राम या व्हाट्सएप की बायो में सिग्मा लिखने से आप एक सिग्मा मेल नहीं बन जाओगे, और इस तरह का कुछ अजीब सा मुंह बनाकर कोई सिग्मा नहीं बन जाता। इनफैक्ट असली सिग्मा मेल कभी ये प्रूफ ही नहीं करना चाहता कि वो सिग्मा मेल है। ऐसे लोग इंडिपेंडेंटली मेहनत करते हैं, फर्क नहीं पड़ता चाहे सामने वाला इनके बारे में कुछ भी सोचे। सिग्मा मेल के बहुत से रियल लाइफ एग्जांपल्स भी मौजूद हैं, जैसे महेंद्र सिंह धोनी, जो हर सिचुएशन में काम रहने के लिए जाने जाते हैं। सिचुएशन चाहे कितने भी पैनिक हो, वो अपना आपा नहीं खोते और पैनिक सिचुएशन में भी पेशेंटली हर चीज को ऑब्जर्व करके हालात को हैंडल कर लेते हैं। साथ ही स्टीव जॉब्स भी, जो कि एप्पल कंपनी के फाउंडर थे, इनके ऊपर चाहे कितना भी बड़ा बिजनेस प्रॉब्लम आ जाता था, ये हमेशा शांत ही रहते थे। सिग्मा मेल्स पॉपुलेशन में काफी कम है, और जो नाम मैंने आपको बताया, इंक्लूडिंग महेंद्र सिंह धोनी, ये रियल लाइफ सिग्मा मेल्स के कुछ एग्जांपल थे। अब जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं उनमें से बहुत से बीटा मेल होंगे, बहुत से लीडरशिप क्वालिटीज रखने वाले कॉन्फिडेंट बंदे होंगे और बहुत से नेचुरली सिग्मा मेल भी होंगे। सो नाउ इट्स योर टर्न, तो जल्दी से कमेंट करके बताओ कि आप कौन सी कैटेगरी के हो, और ये वीडियो कैसी लगी नीचे कमेंट करके जरूर बताना।